हेलो, जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो तैयार हो जाए एक और वैकेंसी के लिए। जी हाँ दोस्तों, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंतर्गत मैनेजमेंट ट्रेनिंग की ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। टोटल पोस्ट की बात की जाए तो 249 टोटल पोस्ट आपकी ये रहने वाली हैं। आज के इस वीडियो में आपको मैं शुरुआत से लेकर प्रिंट तक पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो स्टेप बाय स्टेप पूरे फॉलो ज़रूर कीजिए और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी इसमें चाहिए होगी वो भी आपको मैं इसी वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल पर विजिट नहीं किया तो इजी गवर्नमेंट जॉब के लिए चैनल पर एक बार ज़रूर विजिट कीजिए, ताकि आपको 10th पास 8वीं पास वैकेंसी भी अच्छी खासी मिल जाएगी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो थोड़ा सा पहले आपको ओवरव्यू बता देता हूँ। 249 वैकेंसीज के लिए इसमें 18 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। साथ ही साथ SC/ST को इसमें छूट दी गई है। आपके फॉर्म 25 जुलाई तक भरे जाएंगे तो आप आराम से उसमें आवेदन कर पाएंगे। और दोस्तों, इसमें जनरल OBC इस कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ भी आई है, तो अपनी कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप चेक कर सकते हो कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी आपकी रहने वाली है। इसके साथ ही आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, तो BE, BTEC इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके अंतर्गत कितना परसेंटेज मार्क होने चाहिए, ग्रेजुएशन के अंतर्गत तो 65% आपकी ग्रेजुएशन में मार्क होना जरूरी है। इसके साथ ही आपको करना क्या होगा, तो रजिस्टर यूज़र वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले इसी पे आपको क्लिक करने के बाद में आपके पास ऑप्शन आएगा MTech गेट 2024 वाले पे, उसको आप क्लिक कर देना है और नेक्स्ट सबमिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपकी लॉगिन आईडी आपको बनाना होगा, जो भी आपका नाम है उस नेम के आगे आप जो भी कुछ लिख के भर सकते हो, जो आपका नेम अवेलेबल होगा वो आपको कर देना है। उसके बाद में कैप्चा कोड इंटर कर देना है। उसके बाद में चेक अवेलेबिलिटी कर देना है कि हाँ ये नाम अवेलेबल है या नहीं है। जो नाम अवेलेबल होगा उसके बाद में आगे लिखा रहेगा कि चेक अवेलेबिलिटी, यानी दोस्तों ये अवेलेबल आपका नाम रहने वाला है। उसके बाद में दोस्तों इसके अंतर्गत बताया गया है कि आपकी जो आईडी है वो बन गई है, विद 48 आवर्स के अंदर आपके जो OTR गया है, यानी उसी के अंतर्गत लॉगिन आपको करना पड़ेगा। इसकी सारी डिटेल इसमें बताई गई है। तो सबसे पहले आपको पासवर्ड बनाना है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको किस प्रकार बनाना है तो उसका डेमो भी आपको दे देता हूँ। तो सबसे पहले आपको दोस्तों कैपिटल लेटर के अंतर्गत आपका वर्ड लेना है, इसके बाद में छोटा स्मॉल वर्ड लेना है, उसके बाद में आप दोस्तों मेंशन दे के कुछ भी वर्ड लिख सकते हैं जो स्ट्रॉन्ग रहेगा, 8 वर्ड का आपको लेना होगा। और दोस्तों आपको कन्फर्म पासवर्ड कर लेना है, जब आप पासवर्ड बना दोगे उसके बाद में आपकी ईमेल आईडी डाल के कन्फर्म कर देना है। उसके बाद में लास्ट में आपको पर्सनल डिटेल्स आपको भरना होगा, इसमें आपका नाम भरना है और साथ ही साथ आपके मोबाइल नंबर डालने हैं। मोबाइल नंबर डाल के आपको वेरीफाई करना पड़ेगा विद OTP के साथ में। OTP आने के बाद में दोस्तों आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे आपको फादर का नाम मांगा गया है, फादर नेम आपके जो मार्कशीट में वो सेम आपको डालना है। उसके बाद में मदर का नेम भी आपको सेम मार्कशीट के अनुसार डालना होगा। जेंडर आपका सिलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल मेरिटल अनमेरिड मेरिड जो भी आप हो उसके अंतर्गत आपको सिलेक्ट कर लेना है। रिलीजन हिंदू मुस्लिम जो भी आप हो कैटेगरी वाइज वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में दोस्तों आपका डेट ऑफ बर्थ आती है, तो डेट ऑफ बर्थ आपकी सिलेक्ट कर लेने हैं कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ रहने वाली हैं। उसके बाद में दोस्तों आपकी की जो कैटेगरी वाइज है, अगर आप छूट चाहते हो नहीं चाहते हो SC/ST के हो तो इसमें छूट मिलती है। एज के अंतर्गत OBC कैंडिडेट को भी 3 साल की छूट इसमें मिलने वाली है। उसके अलावा दोस्तों नेशनलिटी में आपको इंडियन हो तो इंडियन कर देना है, सिटीजन ऑफ इंडिया। उसके बाद दोस्तों डेस्टिनेशन ऑफ इशू अथॉरिटी, यानी किसने इशू किया है ये पूछा जा रहा है इसके अंतर्गत। तो दोस्तों इशू कौन करता है, तो दोस्तों इसको इशू आपका तहसीलदार या SDM ही करता है, उनके द्वारा ये इशू किया जाता है। तो आपके पास दोस्तों जो डेस्टिनेशन फॉर्म है PDF के रूप में या आपके दोस्तों डॉक्यूमेंट है, उसके दोस्तों राइट साइड में लास्ट कॉर्नर के ऊपर देखिएगा, उसके ऊपर लिखा रहेगा कि कौन इसको इशू करता है। तो उसका सिंपली यहाँ पर आपको नाम लिख देना है। मेरे हिसाब से अगर आप नाम लिखना चाहो तो अपने तहसीलदार पोस्ट आपको लिख देनी है, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं रहेगी। उसके बाद में दोस्तों आप अगर एक्सरसाइज में है ना तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो कर देना है। PWD कैटेगरी के आप आते हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर देना है। कि आप सेल के एम्प्लॉय रह चुके हो तो नहीं होंगे तो नो कर देना है, अगर हो तो यस कर देना है। उसके बाद में इसके बोला गया कि गवर्नमेंट सर्वेंट के अंतर्गत आप काम करते हो या सेल में आप काम करते हो तो नहीं कर रहे होंगे तो आपको नो कर देना है। उसके बाद में एक बार फिर से चेक कर लेना, सेव एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है, तो आपकी जानकारी सबमिट हो गई है। उसके बाद में आपका एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन आपका भरा जाएगा, एड्रेस आपको एक अच्छे से भर देना है, सेम एड्रेस पर आपको क्लिक कर देंगे। एड्रेस के अंतर्गत आपका आधार कार्ड के जो नंबर जो एड्रेस रहता है पीछे की साइड में वो आप इसमें भर सकते हैं। आपका टाउन कौन सा है, विलेज कौन सा है, आप इसके अलावा आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, और साथ ही साथ इसके अलावा पिन कोड आपका इसके अंतर्गत फिलअप किया जाएगा। आपका स्टेट
की इंफॉर्मेशन इसमें मांगी जाएगी, तो यह आप भर दीजिए। लगभग लोगों का दोस्तों परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्ड एड्रेस सेम रहता है, तो आपको इसको सेम कर देना। अगर सेम रहता है तो सेम पूरी जानकारी ऑटोमेटिकली फिलअप इसके अंतर्गत हो जाएगी। तो ये दोस्तों ये ऑटोमेटिकली आ गई, उसको भी सेव एंड नेक्स्ट पर आप क्लिक कर देंगे, प्रोसीड आपकी हो गई है। अभी दोस्तों इसमें आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है, फ़ोटो किस साइज़ की अपलोड करनी है उसके भी बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों 5.5x4.5 सेंटीमीटर की आपकी फ़ोटो अपलोड करनी है। इसके अलावा दोस्तों इसके अंतर्गत आपका जो सिग्नेचर रहने वाला है उसकी भी दोस्तों साइज़ बताई गई कि 20 KB से 50 KB के बीच में आपका होना चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर की बात ऑलरेडी हमने कर ली कि 10 KB से 20 KB होना चाहिए। और दोस्तों आपका चूजन फाइल यानी दोस्तों आप अपने जो PDF बना रखे हैं तो उसके अंतर्गत भी आप डायरेक्ट इसको अपलोड कर पाएंगे। जिस प्रकार दोस्तों हम कर रहे हैं आप हमको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपना दोस्तों पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो अपलोड कर लेते हैं और उसके बाद में दोस्तों हम करते हैं अभी सिग्नेचर अपलोड कर लेते हैं। उसके बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देनी है। तो आपकी फ़ोटो के साथ दोस्तों फॉर्म एक बार आपके सामने आ जाएगा कि किस प्रकार आपने फॉर्म भरा। उसके बाद में डिक्लेरेशन आपको पढ़ लेना कि पूरी जानकारी आपके द्वारा जो दी जा रही है वो एकदम सही है, करेक्ट है, कोई आपने मिसलीड इनको नहीं कर रहे हैं, ये आपको पढ़ना है खुद को। और उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद में यस के आपको ऑप्शन पर क्लिक करना है और दोस्तों डिक्लेरेशन फिर से आएगा। इसके अंतर्गत दोस्तों आप प्रिंट भी कर सकते हो या लॉगिन के ऊपर भी जाके क्लिक कर सकते हो, लेकिन दोस्तों जो डिक्लेरेशन वाली बातें हैं वो आपको समझ में आनी चाहिए। कई बार कैंडिडेट बिना आगे इसको पढ़े ही आगे बढ़ जाते हैं तो वो गलत होता है। उसके बाद में दोस्तों आपको सेव कर लेना है। उसके बाद में आप फिर से दोस्तों साइन इन करना चाहते हैं तो आपको साइन इन कर लेना है जो आपने लॉगिन आईडी बनाई थी उसके अनुसार, और पासवर्ड डाल के कैप्चा को डाल के आपको इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करो दोस्तों कैंडिडेट डैशबोर्ड के ऊपर आप चले जाओगे, प्रोफाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ से जाके दोस्तों आप अपना जो करंट ओपनिंग्स है वो आप चेक कर सकते हो। करंट ओपनिंग्स में भी दोस्तों इसके अंतर्गत बताया गया है कि आप लिख जो एप्लीकेशन स्टेटस है एमटी रिक्रूटमेंट के अंतर्गत मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पर, उसके अंतर्गत रिक्रूटमेंट डिटेल की ओर आप क्लिक करोगे तो आपका दोस्तों पूरा पोर्शन इसके अंतर्गत बता दिया जाएगा। उसमें आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी सारी डिटेल आपके पास आ जाएगी। यहाँ से आपको सेव एंड नेक्स्ट पर फिर से क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन आएगा, उसके पर आपको क्लिक करना है। तो आपको दोस्तों बता दिया जाएगा कि आपकी नेम और पोस्ट कौन सी है। तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग गेट 2024 की रहने वाली है। इसके अंतर्गत आपको दोस्तों नेम ऑफ द स्कूल आपको पूछा जाएगा। उसके अलावा आपको दोस्तों इस जो एजुकेशन डिटेल है उसके बारे में बातचीत आपसे की जा रही है। तो एजुकेशन आपकी नेम ऑफ कौन सी स्कूल से आपने पढ़ाई की उसका नाम आपको फिलअप कर देना है। उसके नीचे दोस्तों आपका इसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि नेम ऑफ द बोर्ड, जैसे दोस्तों मैं राजस्थान का हूँ तो मेरा RPSC राजस्थान बोर्ड होगा। अगर आप यूपी के हैं तो दोस्तों UPSC यूपी बोर्ड आप इसके अंतर्गत फिलअप कर सकते हो। ऐसे ही अलग अलग स्टेट की अलग अलग आती हैं। आपने कब पास किया था वो पूछा जा रहा है। टोटल मार्क्स कितने पेपर का था, आपको कितने मार्क आए थे, तो इसके बाद में परसेंटेज ऑटोमेटिकली ये गेन कर लेगा। उसको सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। ऐसे ही अगर आपने हायर एजुकेशन कर रखी तो वो भी आप भर सकते हो। और उसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि आपने कोई कोर्स कर रखा है या नहीं कर रखा, डिप्लोमा कर रखा है या नहीं कर रखा। तो हमने नहीं कर रखा, हमने सिर्फ 12th किया है। 12th कौन से बोर्ड से किया था उसकी भी सेम अभी जो 10th की जानकारी दी थी उसी प्रकार आपको फिर से जानकारी आपको दे देनी है। सेम ईयर ऑफ पासिंग आपने कितने किया था, मार्क्स आपके कितने आए थे उसके बारे में जानकारी पूछी गई है, यानी टोटल मार्क्स आपके कितने थे और आपने कितने मार्क्स आपको आए थे। तो दोस्तों वो नेक्स्ट करके आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देनी है। उसके बाद में दोस्तों आपके पास आ रहा है नेम ऑफ द मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अंतर्गत आपको पूछा जाएगा कि आपने अगर ग्रेजुएशन कर रखी है, यानी दोस्तों जो ग्रेजुएशन इसमें मांगा ही गया है कि ग्रेजुएशन आपने किस यूनिवर्सिटी से किया है वो जानकारी इसमें पूछी जा रही है। उसके बाद में नेम ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा, आपके पास किस चीज़ में डिसिप्लिन में डिप्लोमा है, तो आपने पास सिविल के अंतर्गत है किस में है वो जानकारी आपको देनी है। उसके बाद में स्पेसिक इंजीनियरिंग डिप्लोमा अगर आपके पास है तो वो उसकी भी जानकारी इसमें आपको मांगी जा रही है। उसके आगे ईयर ऑफ पासिंग आपका पूछा जा रहा है कि कब आपने पास किया था, वो पासिंग ईयर आपको इसमें भरना होगा। उसके बाद में दोस्तों आपको सेमेस्टर पूछा जा रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर में कितने मार्क बने थे, कितने में से आए थे और टोटल परसेंटेज आपके कितने बने थे। ये सारे सेमेस्टर के बारे में आपको जानकारी फिलअप करनी होगी। जितने भी सेमेस्टर आपके थे पूरे सेमेस्टर करने के बाद में आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों पोस्ट ग्रेजुएशन अगर कर रखी है किसी कैंडिडेट ने तो उसके बारे में भी जानकारी भर सकती है, नहीं कर रखा तो नो करके आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में दोस्तों गेट एग्ज़ाम आपने दिया था उसका रजिस्ट्रेशन आपका क्या था उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो उसके बाद में दोस्तों अगर आपने नहीं कर रखा तो नो कर देना है, यस कर अगर किया तो यस कर देना है। और आपने पेपर दिया तो आपको पेपर कोड का भी पता होगा कि सिविल CE है,
कैंडिडेट का नाम क्या था और गेट का स्कोर आपने कितना किया था। इसके अलावा दोस्तों सारी जो गेट के अंतर्गत आपने एग्जामिनेशन दिया था गेट की इन्फॉर्मेशन आपके द्वारा यहाँ पे मांगी जाएगी, वो आपको फुलअप भरनी है। उसके बाद में आपकी कैटेगरी क्या थी आपकी, तो दो वही कैटेगरी रहने वाली जो आपकी परमानेंट रहती है। उसके बाद में एक्सपीरियंस अगर आपको है तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नो करके क्लिक आपको कर देना है। उसके बाद में दोस्तों आपका जो पूरा फॉर्मेट है वो आपके सामने आ जाएगा, उसको कंटिन्यू करके यस आई एग्री टू यू नहीं आप इसमें सहमत हो प्रोसीड करने के ऊपर, उसको दोस्तों प्रोसीड करके आपको एग्री कर लेना है। सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन आप सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद में फिर से आपके पास अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जो ओपन होता है दोस्तों उसको फिर से आपको रीड कर लेना है ताकि कोई जानकारी आपसे मिस तो नहीं रह जाएगी। उसके बाद में दोस्तों पोस्ट नेम पूछा जा रहा है, अमाउंट आपको कटेगा दोस्तों 700 रुपये कटने वाले हैं SC ST के लिए, तो दोस्तों वो भी आपको पे करना पड़ेगा। पे पूछा जा रहा है कि आप किसके द्वारा करोगे, डेबिट कार्ड के द्वारा करोगे, नेट बैंकिंग के द्वारा करोगे या चेक के द्वारा करोगे, तो आपको पेमेंट करने के बाद में दोस्तों पेमेंट कर देना है। इसमें GST शुल्क भी आपको लगेगा तो वो भी आपको भर देना है। तो आपका क्रेडिट कार्ड दोस्तों पे कर देना है, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हो, इसे कोई ज़रूरी नहीं है, डेबिट कार्ड से भी आप कर सकते हो। इसके अंदर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे करोगे। तो यहाँ से प्रिंट करके दोस्तों आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म पा सकते हो। तो कैसा लगा वीडियो बताएगा ज़रूर। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट।